हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो आपकी परफॉर्मेंस पे है। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जो हाई परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे एलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, फेसबुक के ऑनर हो गए, ये जो अचीवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, सुंदर पिचाई हो गए, इनके पास कौन सी ऐसी खास चीज़ होती है जो इनको हाई परफॉर्मर बनाती है, जो हम जैसे आप लोगों को नहीं बनाती। आज इस बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि ये जो बड़े सीईओ हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट कर लेते हैं और बड़ा ईजिली कर लेते हैं और बिना किसी अपने हैप्पीनेस को कंप्रोमाइज़ किए हुए, वेलबींग के कंप्रोमाइज़ किए हुए, अपना सब कुछ ध्यान रखते हुए भी वो अपना हाई परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन करते हैं, आखिर वो कैसे करते हैं, इस बुक में बताया गया है। इस बुक से हम लोग टोटल 6 ऐसे हैबिट्स लर्न करेंगे जो हमें हाई परफॉर्मर बनाएगी। और इस बुक में टोटल 6 हैबिट्स के जानने के बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको सिंपल स्टेप में बताऊंगा। इसलिए इस बुक को लास्ट तक सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा ले सकते हैं। क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? अचीवर्स और हाई परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है? अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत से चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब अचीवर्स मोमेंटम खो देता है, उनका करियर एक जगह पे जाकर रुक जाता है, उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो यह है कि सक्सेस तो अचीवर कर लेते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। अगर हाई परफॉर्मर से ये हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मर अपनी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेलबींग से कंप्रोमाइज़ किए बिना। तो आप भी अगर हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऐसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिमांड और एक्स हैंडल करेंगे। जी हाँ, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस के लिए हैबिट्स लर्न करना, वो इस बुक में हम लोग करेंगे। इस बुक में हम लोग और भी जानेंगे कि कौन सी चीज़ें दी गई हैं और उसको कैसे हम लोग हैंडल करने हैं। बेंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मेंस को डिफाइन करने वाले 6 मेन हैबिट्स होती हैं, जो इस बुक के लेखक हैं, काफ़ी सारे रिसर्च किए, उन्होंने पाया कि 6 ऐसे हैबिट्स होते हैं जो हर हाई परफॉर्मेंस में होता है, और वही 6 हैबिट्स आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हैबिट्स पे आते हैं। हैबिट नंबर 1, सीक क्लैरिटी। दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं इसका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली इस मोमेंट आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग आधे समय तो यही नहीं जानते कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। कभी हमारे हाथ में फ़ोन जब आ जाए तो आप देखिएगा, बाद में जब फ़ोन रखने जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपने आधे घंटे गंवा दिए, लेकिन आपको याद ही नहीं कि आपने किया क्या आधे घंटे में। आपने बस फ़ोन उठाया, कभी फेसबुक, कभी इंस्टा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, आधे घंटे निकल गए। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप कर क्या रहे हैं। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं। तो आपको जब ये पता होता है कि मुझे अभी और इस वक्त कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है, तो आप अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं। इसलिए आप क्लैरिटी ढूंढिए कि अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हम इसी क्लैरिटी ना होने की वजह से हम अपने बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये
क्वेश्चंस बहुत बेसिक से लगेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये आपकी पूरी लाइफ समझाती है। जब आप समझते हैं अपने आप को तो पता चलता है कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये तो दोस्तों वैसा ही है कि जब हम लोग एक किनारे से नाव लेके समुद्र में नदी में उतरे कि हमें उस किनारे पे जाना है, और हम लोग कुछ ड्राइव किए हुए और हम अपना पतवार ही गुम कर दिए। अभी हमें पता ही नहीं है हम किधर जा रहे हैं, जिधर पानी की लहरें आ रही हैं हम उधर ही जा रहे हैं। मतलब हमें जाना कहाँ है हमें खुद पता नहीं है, इसलिए क्लियरिटी होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, ये बेसिक क्वेश्चन लगने वाले लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट डालेंगे। ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे करना क्या है, सिर्फ ये तीन क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते रहिए, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीकनेस से वाकिफ हों, आपको पता हो कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं और किस चीज़ में आप कमज़ोर हैं। और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि आपका वैल्यूएबल टाइम क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, क्या आप अच्छे से कर सकते हैं। खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी से आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यू, अपने गुड्स एंड बैड्स, ये सब चीज़ की क्लियरिटी आपको होना पड़ेगा। तो आप अगर अच्छा हैबिट्स जानना चाहते हैं, आप अपना अच्छा हैबिट्स अपने आप में लाना चाहते हैं, तो आप अपने मिरर के सामने जाइए, अपनी ही आंखों में आंखें डाल के देखिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन आप मिरर के सामने आईज अपने आप को आईज टू आई कनेक्ट करके अपने आप से पूछिए। दोस्तों आप ऐसे कुछ दिन करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसे डिफरेंस आ गया आपके अंदर, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी दोस्तों, बिलीव कीजिए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी अपने लाइफ में। इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो एक ही अपने गोल्स पहचाने कि आपका गोल क्या है, जो आपने गोल बनाया था वो है कहाँ अभी, क्या मैं उस गोल पे चल रहा हूँ, क्या जहाँ से मैंने नदी का इस किनारा से शुरू किया था मुझे उस किनारा जाना है, क्या मैं अभी भी पतवार मेरे हाथ में है, क्या मैं अपने पतवार को अपने नाव को उस तरफ लेके जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप जानते हैं कि मेरा गोल वो है और मुझे इस तरफ से जाना है, तो बीच में कितनी भी रुकावटें आएंगी आप रुकेंगे नहीं, आप उस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि आपका गोल्स क्या है, और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका गोल्स चैलेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज़्यादा एनर्जी, इन्जॉयमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाएंगे। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि जब आप काम में फ्रस्ट्रेट हुए हों और आपने खुद को डिसकंफर्ट फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या है। आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो अभी अभी जो करेंगे यही आपका फ्यूचर में इम्पैक्ट डालेगा, यही आपका फ्यूचर है। फ्यूचर फॉर क्या है दोस्तों, फ्यूचर के बारे में आपका प्लान क्या है, आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, वो आपको पता है कि नहीं है, ये जानने के लिए आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैं 10 साल बाद क्या बनूंगा, मैं 10 साल बाद कहाँ जाऊंगा। जब इसका क्वेश्चन का जवाब आप इमिडिएटली दे सकें तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के लिए अवेयर है, आप अपना फ्यूचर जान सकते हैं, क्योंकि आपका गोल सेट है। दोस्तों अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते तो बिलीव कीजिए आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं है, आपने अपने कोई टारगेट सेट नहीं किया है, आपका गोल कोई सेट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गोल सेट हो तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, और इसका आंसर इमिजिएटली आपके माइंड में आना चाहिए
कि 10 साल बाद आप कहाँ रहने वाले हैं और क्या आप करेंगे, ये जब आप जानेंगे तब आपका इमिजिएटली आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा आपके सामने रहेगा और उस रास्ते पे आप चलते जाएंगे। हैबिट नंबर 2, जनरेट एनर्जी। दोस्तों, अगर हमें काम करना है और हाई परफॉर्मर बनना है तो हमें एनर्जी जनरेट करना आना चाहिए। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वो एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशन और मेंटल अल्टरनेशन भी इम्पोर्टेंट पता होता है। हाई परफॉर्मेंस एक हेलियस्टिक वे ये एनर्जी जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहते हैं। सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है दोस्तों, फिजिकल के साथ साथ आप इमोशनली और मेंटली भी आप फिट रहें ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं है, मेंटली फिट हैं इमोशनली फिट नहीं है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। जब आपका एनर्जी लो होता है तो ये आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे लाइफ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना ही कुछ दिखाएगा ना ही आपको फॉलो करेगा। जो इस बुक के लेखक हैं वो अपने रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे हैं। किसी भी कंपनी में उन लोगों को एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। कोई एनर्जी इंसान को ही हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है। कैसे भी सीईओ और जो बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग हमेशा हाई एनर्जेटिक होते हैं। आप भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं। किसी पावर प्लांट की इमेजिन कर लो तो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, आपको भी पावर प्लांट के जैसे होने चाहिए। आप भी और जो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, इंजॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, लव के लिए किसी को वेट मत करो। ये सारी पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होता है। आप ऐसे स्रोत बन सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी की और ये एनर्जी आपको फैलना चाहिए। जैसे एक दीपक जलता है तो आपके चारों तरफ प्रकाश फैला के रखता है। किसी कंपनी को आप देखिए, उनके एक वो बंदा अगर खड़ा होगा तो अपने आजू बाजू पूरा प्रकाशमय किया होगा, एनर्जी फील होती है। ये आप चाहे एलन मॉस्क को देख लें, चाहे आप सुंदर पिचाई को देख लें, या आप फेसबुक के सीईओ के देख लें, या बहुत सारे जो सीईओ हैं जो बिग अचीवर्स हैं इनको आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल हाई रहता है। ये एनर्जी जनरेटर हैं, ये लोग जनरेट करते हैं एनर्जी और ये एनर्जी स्प्रेड करते हैं। तो एक सीईओ के साथ अगर कोई बंदा रहता है तो ऑटोमेटिकली वो वैसा ही करने लगता है। और ये करने के लिए आप दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन, ये सब अगर आप करते हैं तो आप हाई परफॉर्मर बन सकते हैं। इस बुक के लेखक बताते हैं कि उनके साथ जो क्लोजली काम किया करते थे उन्हें उन्हें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती थी। वो सीईओ के साथ जब रहते थे तो वो लोग हाई परफॉर्मर होते थे, लेकिन जब वो उनसे दूर होते थे तो उनकी एनर्जी लूज हो जाती थी क्योंकि वो ट्रांसफ़र होती थी एनर्जी। तो जब आप एनर्जी आपके अंदर है, आपके कलीग, आपके जो साथ में काम कर रहे हैं वो सब लोग आपको फॉलो करेंगे। और यही राज है कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनकी पूरी टीम ग्रो करती है। अगर वो हाई परफॉर्मर सीईओ कोई अच्छा है और हाई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कंपनी पूरी ग्रो करती है, पूरी उसकी टीम ग्रो करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाई परफॉर्मर बने, जहाँ भी जाएँ वहाँ पर अपना अचीव आपकी टीम अचीव करे, आप अच्छा परफॉर्म करें, हाई परफॉर्म करें, तो आपको हमेशा अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना चाहिए। जब आप घर लौटते हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक इमोशनली ऐसा फील होता है। जो आप डैड या मॉम का रोल निभाते हैं वहाँ पे एक आप सीईओ से डैड या मॉम बन जाते हैं और वहाँ पे सारे आपकी एनर्जी जो होता है वो आपके बच्चों के साथ शेयर करते हैं। आप जिसके साथ भी अटैच रहते हैं
उनको आप लव करते हैं, जिससे और ज़्यादा आपको इन्जॉयमेंट आता है। अब इमेजिन करो कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कलीग से कन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके बाद आपको अपने डेस्क पे आके और ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद अपनी निगेटिव एनर्जी पास करेंगे, और अगर आपका ब्रेक नहीं लिया तो आप फर्स्ट फील करेंगे, फ्रस्ट्रेट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंट और माइंड और जो आपका पीस है वो खो देंगे। फिर आप घर लौटेंगे तो इतने थके होंगे कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए आप किसी के साथ रहें, ये जरूर रखें कि किसी की बाहरी बिहेवियर से आपके अंदर की पीस ना खराब हो। अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने के लिए हमेशा थोड़ा रेस्ट करें। आप अपनी आंखें क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। डीप ब्रेथ लें एक, और ये टेंशन रिलीज करें। अपने टेंशन सेट कर सकते हैं, उन्हें टास्क के बारे में जो सोचा आपको आगे करने के लिए, वो थोड़ा सा उसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। आप इसे कैसे पॉजिटिव के साथ करें, एनर्जी के साथ करें, इसमें बारे में आप सोच सकते हैं और आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बिग द जॉय, जितना बड़ा जॉय रहेगा, पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल होगी, आप परफॉर्म कर पाएंगे, आप जो भी आपका टास्क होगा वो अचीव कर पाएंगे और आपकी सारी टीम उसको फॉलो करेगी। हैबिट नंबर 3, रेंज नेसेसिटी। रेंज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी रेंज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीज़ों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको बस एक्ट करना होता है, आपको कुछ करने की नीड फील होनी चाहिए। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा न करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है और ये आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करती है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, कोई भी चीज़ नेसेसिटी होने चाहिए, उसकी ज़रूरत होना चाहिए, उसकी ज़रूरत आपको फील होना चाहिए कि जैसे ये मुझे करना ज़रूरी है। जैसे आपने कुछ लिस्ट बनाया जो रेगुलर काम आप करते हैं, जब उसके नेसेसिटी आपकी रहती है और उसकी ज़रूरत रहती है तो आप ये नहीं देखते कि भाई इसको करने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स देना पड़ेगा, कितने एनर्जी देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, आप उसमें लग जाते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ आप करें, आपके अंदर ये एक चीज़ फाइनल कर लीजिए कि हर चीज़ को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लीजिए, उसको नेसेसिटी बना लीजिए कि ये करना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी काम आ रहा है तो उसको आप ऐसा फील कराइए अपने आप को कि ये ज़रूरी है करना, ये मैं अगर करूँगा तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा। अगर कोई भी काम को हम टाल देते हैं, जैसे ये ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम कभी नहीं करते। कोई भी काम को आप देखिए दोस्तों, अगर आपने कल पे टाला है तो वो काम कभी हुआ ही नहीं और वो कल आया ही नहीं कभी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम उसको नेसेसिटी नहीं समझते हैं, हम उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। हमें हमारे लिए सिर्फ वो एक काम रहता है कि ठीक है कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम ज़रूरी समझते हैं कि ये करना ही है, तो फिर उसके लिए हम लोग पूरी तरीक़ा से लग जाते हैं कि ये हमें करना ही है बाई हुक एंड क्रुक। हैबिट नंबर 4, इनक्रीज प्रोडक्टिविटी। दोस्तों आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको एक स्टेप आगे लेके जाइए, आप थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्रीज कीजिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं वो आपसे मैच नहीं कर रहा हो। हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ आपको पसंद नहीं है करना, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपका परफॉर्मेंस नहीं निकलता है, बिकॉज क्योंकि आप दिल से नहीं कर रहे होते हैं, जो आपको पसंद नहीं है वो करना पड़ रहा है आपको, इसीलिए आप बिजी रहते हैं और वो काम ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की जो आपको करना है, जो आपको करने में पसंद है, अगर वो काम आपके पास आए तो आप कभी बिजी नहीं रहेंगे,
उसको आप बहुत आसानी से और हाई परफॉर्मेंस के साथ, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ उसको आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि हम करते तो हैं, जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब में जो काम हमें पसंद नहीं है बॉस ने वही काम हमें दे दिया है तो करना तो है, आप तो मना नहीं कर सकते अपने बॉस को, लेकिन वो काम आपको पसंद नहीं है तो वो काम पसंद न होने की वजह से आप सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहे वो काम करने का, तब इसलिए आप बिजी रहते हैं और आप थक जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी हेल्थ खराब हो जाती है काम करते करते, आप थक जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने हाई परफॉर्मेंस के लिए आप अपने वेल बींग पे ध्यान नहीं देते, आप अपने हैप्पीनेस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने वेल बींग, हैप्पीनेस और फुलफिलनेस पे भी ध्यान देते हैं, जिससे उसे बहुत सारा हैप्पीनेस भी मिलता है और वो हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं और हाई परफॉर्मेंस रहते हैं, हाई परफॉर्मर रहते हैं, और बहुत सारे काम वो लोग कम टाइम में कर लेते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपने ख्याल रखने के लिए के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी रख सकते हैं, और यह चीज़ आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर हुमन या ओवर फिटनेस होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस फॉलो करें। अगर प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फर्स्ट वाला है इंक्रीज द आउटलुक दैट मैटर्स, जो आपका आउटलुक है उसको इंक्रीज कीजिए। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपने ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडीज से प्रूफ हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स में 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं, उसमें क्या जवाब देना पढ़ते रहते हैं, वो भी पढ़ते हैं ईमेल्स जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे सर्वे में प्रूफ हुआ है। और ये 28% लोग हैं दोस्तों। अब सोचिए 28% लोग बहुत बड़ा जनसंख्या होती है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, वो लोग सिर्फ अपने ईमेल में ज़्यादा वेस्ट गवा देते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कब हम ईमेल चेक करना है, कब क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखें तो ईमेल का एक टाइम बनाइए कि मुझे ईमेल सिर्फ सुबह एक बार चेक करना है, दोपहर में एक बार चेक करना है, और शाम को एक बार मेरे को घर जाने से पहले एक बार चेक करना है। सिर्फ दो टाइम कोशिश करें, दो टाइम नहीं तो तीन टाइम से ज़्यादा आप नहीं रखें। बार बार ईमेल रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने आपको ईमेल भेजा है वो 2-4 घंटे वेट कर सकता है, लेकिन जो आपका काम है वो जो टाइम है वो चला गया तो वो कभी आपका वेट नहीं करेगा। हैबिट नंबर 5, डेवलप इन्फ्लुएंस। दोस्तों क्या आपको कभी लगा है कि आप अपने बातों से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं? क्या आपकी बात लोग मानते हैं? क्या जो आप बोलते हैं वो लोग सुनते हैं? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर हैं। आप दूसरों को बात मनवाना एक बहुत बड़ा कला होता है। बातें करने के लिए तो लोग बहुत बात करते हैं, सुबह से शाम तक हर बंदे को देखो वो बात करता रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप बात करते हैं वो दूसरा सुनता कितना है, वो आपको फॉलो कितना करता है, आपके बातों से उसको रिजल्ट क्या मिलता है, उसको रिस्पॉन्स क्या करता है, कि आपका बात दूसरे मानते हैं। अगर दूसरे आपका बात मानते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आप अपने लाइफ में अच्छा स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप हाई परफॉर्मेंस बनना चाहते हैं, हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर इन्फ्लुएंस लोगों को करने के लिए ऐसे हैबिट्स डेवलप करना चाहिए। आपको बात करने का तरीका ऐसा सीखना चाहिए कि आपके लोग बात मान सके, जो आप कहना चाहते हैं अगला सुन सके। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं आपको सिर्फ 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, मैक्सिमम विद इन 5 सेकंड ये डिसाइड हो जाता है कि अगला आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप अगले को कितने कितने कम टाइम में इम्प्रेस कर पाते हैं कि अगला आपका बात सुनता है। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, आपको लोगों को इम्प्रेस करना आना चाहिए, आपको लोगों से अपनी बात मनवाना आना चाहिए। इमेजिन करो आप ऐसे ही एक मैनेजर हैं जो अपनी अपनी टीम को को बताना पड़ेगा कि मैं बेस्ट करना चाहता हूँ, और अपने बारे में ऐसा सोचना होगा कि मैं कंपटीटर्स को
लेकर ऐसे सोचना है, अपने फ्यूचर्स को लेके ऐसे सोचना, जो भी आप सोच रहे हैं, क्या आप मैनेजर हैं तो वो आपकी टीम सुन रही है? क्या जो भी आप अपने एम बनाए हैं, क्या आपकी जो टीम है वो आपके साथ खड़ी है? दोस्तों, मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसके पास टास्क है वो अपना टीम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्या अगला सुन रहा है आपको? क्या वो आपकी बातों को समझ रहा है? क्या वो ले रहा है जो आप उसको देना चाहते हैं? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मैनेजर को आपने देखा होगा कि वो फेल हो जाते हैं, बहुत सारे टीम लीडर को ऐसे देखा होगा कि वो फेल हो जाते हैं। क्यों? ऐसे नहीं कि वो टीम लीडर में कमी होती है, उनकी जो उनको टीम मैनेज करना नहीं आता है, वो सपो उनकी टीम उनको सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, अपनी टीम को वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते जो वो पहुंचाना चाहते हैं। हैबिट नंबर 6, दोस्तों आप में कैरेज होना बहुत जरूरी है। कैरेज का मतलब है कि आप कुछ भी काम करने के लिए बेझिझक बिना डरे कोई भी एक्शन लेना एक कैरेज है। दोस्तों, लोग रिस्क लेने से डरते हैं। एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि रिस्क ना लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है इस लाइफ में। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर कैरेज होना चाहिए उसको करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है। और ये हमारे लिए, हमारे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डर, एक चैलेंज है। इस डर की वजह से जैसे एक हाथी पूरी लाइफ एक छोटी सी जंजीर के सहारे पूरी लाइफ खड़ी रहती है एक पेड़ के नीचे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको मिनट नहीं सेकंड में वो तोड़ सकती है। वैसे ही हमारा हालत होता है, एक छोटा सा डर की वजह से हम पूरी लाइफ एक ही जगह खड़े रहते हैं, हम हिलने की भी कोशिश नहीं करते। हमें ये नहीं पता कि हम वो हाथी हैं कि ये जंजीर हम सेकंड में तोड़ सकते हैं। तो बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हाई परफॉर्मर बने, आप किसी कंपनी का CEO बने या मिलीनियर्स बने या लाइफ में सक्सेस पाएं, तो आपको कैरेज होना चाहिए और वो आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहिए। जब आप डेमोस्ट्रेट करते हैं कैरेज को, दिखाते हैं वो कैरेज, तो वो आपकी जो टीम होती है वो आपको फॉलो करती है। आपको कैरेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। थैंक यू।